आ रहा है ना, लग रहा है मेरा लाइफ का पहला सेमिनार है इसका। अरे बंदी जब हम पैदा होते हैं हमारा स्कूल में दाखिला होता है। जो अपने पापा के माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है आके आपको कैसा लग रहा है बताना चाहेंगे कुछ? जयपुर आके बहुत अच्छा लग रहा है। नींद नहीं पूरी, मेरा सोने का मन। सुबह 5 बजे सोए, 7 बजे उठे हैं। मोहब्बत करने वालों के साथ यही होती है, बेड पे तो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती, उल्टी पलटी हर बार फेरे लेते हैं। क्या कह गए जॉन भाई, क्या? इसीलिए थोड़ा मोहब्बत करो तो। चाय कहाँ मिलेगी? चाय 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 चाय। इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो होना है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और हम लोग इसका पूरा प्रयास करते हैं। और क्या बोलना है इसको लेकर, थोड़ा सा बच्चों से मिलने का थोड़ा सा एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, बाकी उत्तर वही मिलेंगे। योगेश सर आप क्या कहना चाहेंगे इवेंट के बारे में और जयपुर आके कैसा लग रहा है? इवेंट करने के अंदर से उत्साह इतना ज्यादा है और सुबह सुबह सबने सारा काम कर लिया है और 9:15 बजे के आसपास आपका इवेंट शुरू होगा, तो जितने भी लोग देख रहे फटाफट होना चाहिए और बड़ा ही मजा आया। ऐसा नहीं बोलने देते अभिषेक की तरह, माहौल खराब होता है तो हम कहते हैं आपस में अभी से बात करो सर सर करके, तो स्टूडेंट में भी क्या होता है आपस में ऐसे ही बात करते हैं अभिषेक सर। दिल्ली इधर उधर अपन कहीं गए नहीं, अपन नागपुर में, तो दोस्त बोले यार जैसा अच्छा पढ़ाते हैं, हम कहें जैसा तुम बोल फोन फोन नंबर दो, तो बस जमा हुआ व्हाट्सएप कर दिया। अच्छा मैं पहला एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, कितने लोग गाँव से और हिंदी बात करते हैं? ये सब अपने सब अपने और गाँव में आज तक पता नहीं चलता कैसे पैलिस मिले, शायद उसको इस वाला नहीं काम तो पैलिस क्या आज पास कर तब तक नहीं बैठा होता था हवा की काम क्योंकि आदत नहीं है अभी सुना ऐसा होना भी चाहिए।
हमारी लाइफ एकदम बैलेंस होनी चाहिए, घर परिवार भी, पढ़ाई भी, सोशल भी और एवरीथिंग, वो हमें बैलेंस होना चाहिए। तो आप उन सबसे अलग इसलिए हैं कि आपने बैलेंस रहकर सारे एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लिए हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर 19 में 195 था मैच, और इस बार 192.5 था मैच। सर बैलेंस इसलिए मतलब करता है कि कभी ये नहीं सोचता था कि एग्जाम क्वालिफाई कर, मैं सोचता था कि सिर्फ क्वालिफाई करो सबसे टॉप मोस्ट है उसको क्यों ना, एग्जाम जब दे रहे हो आप ये क्यों सोचोगे कोई भी एक जॉब ले, जब तक आप ये सोचोगे कि कोई भी एक जॉब ले लेना तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जब आप ये सोचोगे कि रैंक हो तब आप एक अच्छा वाले जॉब, जब आप ये सोचोगे कि रैंक उभर रहा हूँ तो रैंक उभरोगे। इसकी वजह से जो आपका सिलेक्शन होता है वो डिले होता है। मैं मतलब कुछ इसे बताऊँगा, जैसा कि देखो मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, मैं यूपी से हूँ, ये बिहार से है, तो हम लोग क्या यूपी पुल वाले हो गए, तो लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बोलते पड़े। जब हम पैदा होते हैं हमारा स्कूल में दाखिला होता है तो मैथ्स को लेकर के हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं शुरू से, लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें ना तो हमें बोल लगता एक कॉन्ट्राडिक्ट दिमाग में हमेशा से रहा है, अंग्रेजों ने राज किया है हमारे ऊपर है, तो वो खुलना सभी तक लोगों के अंदर भरी पड़ी है, तो हम शुरुआत से निग्लेक्ट करते हैं लैंग्वेज को, अरे नहीं पढ़ना है तो कितने को पता ये पता था क्या तुम्हें पाँचवीं में दसवीं में हमें जाकर के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, किसी को नहीं पता होता। तो बहुत सारे लोग होते हैं भाई शुरू से बहुत डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल होती है, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होती है। हमारे जैसे लोग मैं भी इम्प्रूव करूँगा भाई, यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, यूपी से हूँ, ठीक है, तो मुझे भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था शुरुआत के अंदर कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज का ध्यान देना है, तो पढ़ाई मैंने पास कर ली। इसके बाद क्या हुआ कि गरीब परिवार से आते हैं तो फिनांशियली इतने साउंड नहीं थे, तो घर वालों ने ये हुआ कि चलो यार कुछ काम वाम करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे घर चलेगा नहीं, ना तो तुम्हारी पढ़ाई हो पाए, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताऊँ मेरा 2012 में ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया था, लेकिन उसके पहले जब मैं 12th में था मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और तब से लेकर मैं अब तक पढ़ा रहा हूँ। मेरे से बहुत सारे लोग आपको सीनियर मिलेंगे एज में, लेकिन मैं उनसे काफ़ी सीनियर हूँ पढ़ाने में। जब आप और जिम्मेदारी दी है तो ऑनलाइन क्लासेज के साथ में ऑफलाइन क्लासेज में इंग्लिश पढ़ाएंगे। क्योंकि हमारी पाठशाला ऑनलाइन चलाया जाता था, तो सर ऑनलाइन ही पढ़ाया जाते हैं 3 साल से जो मैंने बताया। अब आप पहले कहीं पढ़े होंगे सर से, अब सर वापस से यहाँ पर हैं और 3 साल के बाद तो ऑनलाइन हमारा चल ही रहा है हमारी पाठशाला, अब ऑफलाइन सेंटर का भी सही की जिम्मेदारी है। पूरा एक वाला सर ना पूरा बदला हुआ मिलेगा, हम बता रहे हैं जिसने पिछली कभी क्लास मोस्ट सेलिंग अभी पूरा बदला हुआ है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर जो मोस्ट सेलिंग बुक है, आप लोगों को नहीं पता होगा, आप अमेजन पे जाकर के चेक करिएगा माय पाठशाला की, जो स्मार्ट बुक है जो 90 डेज का बुक है, प्लानर है, जो ग्रामर का, भाई पूरा का पूरा मैंने रिकॉर्ड कर रखा है उसको, ठीक है, और कोई भी और मोस्ट सेलिंग बुक है उसकी रेटिंग देखेंगे ना आप अमेजन के ऊपर जाकर खुद चेक करिएगा, हाइएस्ट रेटिंग और रिव्यू उसके अंदर पड़ेगा 3 महीने के अंदर 300 से ज़्यादा रिव्यू उसके पड़े हुए, तो आप लोग टेंशन मत लो। बाकी अगर आपने साक्षी मान लिया है ना तो बस भरोसा करो, क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में एक ही चीज़ होती है, मान लिया सर, मान लिया। मैंने बोला मैंने जो अपना स्टार्ट किया, जब पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट करने के बाद जो है अपने अन अकेडमी का नाम सुन रखा हुआ सब लोगों ने, लगभग सभी को पता होगा। उस वक्त मैं अन अकेडमी अप्लाई कर रहा था पढ़ाने के लिए, क्योंकि रोमन ने इन्वाइट किया कि चलो कुछ सोसाइटी को बदलते हैं, तो उस टाइम पे अन अकेडमी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया। तब से मैंने ये डिसाइड किया, जब मैंने ये देखा कि मेरे जैसे बहुत सारी भीड़ है, मैं अगर पोस्ट पर जाकर बैठ जाऊँगा तो मैं अपना भला कर सकता, और अपना भला किया तो क्या किया, ये शायद अभिषेक खिलाड़ी और मेरी भी है, सबका भला किया तो बहुत कुछ किया। तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टेप कोई नहीं लेता है, अगर आपके पापा ट्रक ड्राइवर हो, घर में पैसे नहीं है, एक छोटा सा घर है, उस घर में आपका 10 लोगों का परिवार रहता है, उसी में खाता है, उसी में पीता है, उसी में एक साइड से आपका बक्सा है और उसी में सब है, रिश्तेदार आते हैं तो आपको बाहर सोना पड़ता है, वैसे सब में गवर्नमेंट जॉब ना ज्वाइन करना है द बिग रिस्क बट आई एम कैलकुलेटिव।
मुझे लगा कि मैं बदल सकता हूँ, फिर मैंने उसे बदलना स्टार्ट किया और आज के समय में ऐसा हुआ कि पिछले 4 साल में तकरीबन 20 लाख बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने ऑनलाइन पढ़ाया है। 5,000 से ज्यादा एसएससी में सिलेक्शन है। अगर आप बाहर जाएंगे तो जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे माई पाठशाला अटेंड कर रहे हैं और सबकी मेरे माई पाठशाला पे यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी होगी। ऐसा नहीं कि मैं फेक टेक चपका रखता है, आप सब सर्च कर सकते हो उसमें से। जब हम देखें तो हमें ये पता चला कि ये तो बीएससी वाला बच्चा बीटेक वाले बच्चे से ज्यादा अच्छा कर रहा है। कई बार मेरे पास कॉल आता है बीटेक वाले बच्चों का कि सर गाइडेंस दे दीजिए कैसे करें। मतलब बीएससी वाले बच्चों से मैं फिर भी नॉर्मल बात करता हूँ, बीटेक वाला बच्चा अगर निकल गया तो मैं सीधा कॉलेज में बात करता हूँ। अगर कोई बीटेक का होगा या बैठा होगा तो पता होगा कि हम इंजीनियरिंग में कैसे बात करते हैं। देखो जो बच्चे होते हैं ना एक अच्छे परिवार से होते हैं जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जो ऑनलाइन में हमारे साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं। एक होते हैं मिडिल फैमिली से इनको ठीक है मैनेज करने के ऑनलाइन। एक बच्चा ऐसा आता है जो किसी किसान का है किसी मजदूर का, उनको पढ़ने का हक नहीं है, है उनको पढ़ने का हक है। मैं वही शायद तो मुझे ये पता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है और कंटेंट की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो एक जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है हिंदी भाषी बच्चा उसे तैयार करने में 2 साल लगाता है। नौकरी नहीं की है मैंने, तो ये पैसा है ना जो पढ़ाने वाला, ये नौकरी करने नहीं किया अपने को पैसा नहीं, पैसा कौन दिया भगवान ने, ना बाप का अकेला लड़का हूँ ना आपको। सिलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा कर देता मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं काफी लंबी लंबी यात्राएं करता हूँ, जयपुर विशाखापट्टनम हरियाणा कानपुर लखनऊ पटना, तो मुझे ये फ्लाइट लाइन समझ में नहीं आती, मैं अपनी नीचे मर जाएंगे पढ़ने की जरा, ये बड़ी जनरल प्रॉब्लम है जो मैं देखा हूँ। और एक फॉर्म सर थे जो जी एस के लिए बोले थे जिनका सिलेक्शन हुआ है और ये बहुत सही बात बोल रही है, जी एस ऐसा सब्जेक्ट है अथा समंदर है, तो फायदा इसी में ऊपर से तैर के निकल लो, अगर घुसने की कोशिश करें ना तो डूबना ही पड़ता है। पर एक चीज सर मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। अगर आप में से किसी को विद्वान बनने का शौक है पेपर एग्जाम क्लियर करो, फिर उसके बाद बनो घर पे बैठे बैठे, कौन मना करता है। और ये हमारी कामना है कि आप सब लोग सक्सेसफुल हों, और हमें इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती जब ऐसा होता है बच्चे आगे के लिए सर मैंने कम टेस्ट में रख दिया, मैंने एक्सेसिटी बोर्ड में रख दिया है, या मेरा कॉम्प्यूटर हो गया है, ये हो गया वो हो गया, उससे बहन की कमाल की अचीवमेंट नहीं हो सकती। बच्चों की एनर्जी बहुत ही तगड़ी थी।